लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जबलपुर में रोड शो किया। इस दौरान दो मंच टूट गए, जिससे मंच पर मौजूद लोग नीचे गिर पड़े। इस हादसे में लोगों के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल पीएम मोदी की झलक पाने के लिए क्षमता से ज्यादा लोग मंच पर चढ़ गए। हालांकि पुलिस उन्हें समझाने में जुटी रही, लेकिन लोग जबरदस्ती मंच पर चढ़ते रहे और उसके बाद ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में रोड शो कर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान सड़क पर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों का जनसैलाब उमड़ आया। इस दौरान पीएम मोदी और पार्टी के फोटो बैनर थामे लोग अब की बार 400 पार तथा जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। रोड शो के जरिए भाजपा ने जनता के बीच पार्टी की मजबूत पकड़ के संदेश और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का संचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कटंगा के भगत सिंह चौराहे से शाम 6:40 पर धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक राकेश सिंह तथा लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे वाहन में सवार थे। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को उत्साहित नजर आ रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।